सोलन के क्लीन में हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें एक परिवार के 4 सदस्यों को नशीली चीज देकर बेहोश कर दिया गया और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर शातिराना ढंग से जाली काट कर खिड़की से कमरे में घुसे और मोबाइल फोन और वहां रखी नकदी पर हाथ साफ किया। इस चोरी का खुलासा तब हुआ जब परिजनों को होश आया। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। इस घटना से क्लीन निवासी बेहद सहमे हैं और उन्हें शक है कि इस घटना को रेलवे ट्रैक पर अक्सर बैठने वाले नशेड़ियों में से किसी ने अंजाम दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह नशेड़ियों पर नकल कसने के लिए कारगर कदम उठाए। पीड़ित परिवार के सदस्य रेनू झा ने बताया कि जैसे ही उनके यहाँ चोरी की घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस ने इस चोरी की घटना को दर्ज नहीं किया और ना ही मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि चोरों ने मोबाइल और पर्स में रखे पैसे लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये के चलते क्लीन निवासी सकते में हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी मांग है कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले नशेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं पहली बार ये दूसरे कमरे शिफ्ट की, मैंने रात को हम सो गए 4 जने और रात के दरवाजे की जाली तोड़ के अंदर घुस के मेरे मोबाइल पर्स ले गया पैंट से निकाल के, और क्या बोलते उसमें से पैसे निकाल लिया, पर्स बाहर रख दिया उसने। और पुलिस वालों को हमने कंप्लेन की, उसने बोला रिपोर्ट लिखा, हमने रिपोर्ट लिखा। अभी तक कोई नहीं आया पूछने के लिए कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। क्या हम बाहर देश के हैं तो क्या हमारे को क्या पुलिस वाले को क्या फर्ज नहीं बनता देखने के लिए कैसे है क्या हुआ क्यों हुआ ऐसे। हम मांग यही करते हैं जो चोरी ऐसे कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनको सजा दो, कल को किसी को ना करे ऐसे। आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा, कितने सहते रहेंगे लोग। क्लीन का जो क्षेत्र है वो बड़ा संवेदनशील है, यहाँ रेलवे लाइन के साथ भांग के पौधे होते हैं और उनमें बड़े नशेड़ी लोग जो हैं दोरी द्वाल से लेकर के और टंडल जो स्टेशन के उरे को है वहाँ तक जो हैं ये नशेड़ी लोग कभी भी देखे जा सकते हैं। हमारी महिलाओं को यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल जाता है, बच्चों को मुश्किल होता है क्रॉस करना। कई बार हमने पुलिस से प्रार्थना भी की है कई बार कि भाई यहाँ पर गश्त का जो है वो कंटिन्यू गश्त रखी जाए, दिन को रखी जाए, रात को भी रखी जाए, अगर गश्त होती तो शायद कोई ना कोई सुराख मिल जाता। हमारी प्रशासन से यही डिमांड है कि पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए ताकि जो है नशेड़ियों पे कंट्रोल हो, और बाकी अगर नशेड़ियों पे कंट्रोल हो गया तो चोरियों पे भी कंट्रोल हो सकता है और इससे जो है स्थिति सुधर सकती है।